I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shemaroo Me. जहां दिल्ली के लौंडे एमएमएस क्रांति की सूत्रधार सनी लियोन को अपने मोबाइल में लिए घूमते हैं, वहीं हमारा सनी आज भी स्वर्गीय श्री मस्तराम जी द्वारा रचित साहित्य से यौवन के रस खींच रहा है। रुकावट के लिए खेद है। हेलो, हाँ पप्पी। सनी जल्दी निकलो। ये है सुनील भटेजा। पिछले 30 साल से अपने दोस्त गोल्डी के मकान पर कब्जा किए हुए हैं। लगभग तलाक होने ही वाला है। आप इन्हें प्रताड़ित पति और परेशान पिता भी कह सकते हैं। लेट हो रहा हूं मैं। भाई बुक तो बड़ी मस्त है। और कोई है इसका नया पार्ट? अच्छा चल फिर कॉलेज में मिलता हूं भाई। जल्दी निकल यार। बस पापा 1 मिनट। और सनी तू क्या करता रहता है? टट्टी में इतनी देर तक मुझे ऑफिस में लेट हो रहा है, कॉलेज जाना तुझे। अब टट्टी भी ना करूँगा पापा, पेट खराब था, टाइम लग जाता है। रोज तेरा पेट खराब होता है यार, हैं? ऐसा क्या खा लेता है भाई तू? अब लेट नहीं हो रहा क्या? अब कर लो, जाओ। तुम जल्दी उठ गई क्या? आज जल्दी उठ गई तुम? मैं तो रोज ही जल्दी उठती हूँ। मैं लेट हो जाता हूँ। इसका बाप भी जल्दी उठ जाता है, हाँ? और तू सवेरे सवेरे चली जाती है छत पे कपड़े सुखाने के बहाने। मौका मिल जाता है इसका। ओए, वो किधर गया ये? क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों शुरू हो गए हो? होना क्या है, कमीना फिर से शुरू हो गया। इसको मैं आज दिखाता हूं। रुक जा तू, आ रहा हूं मैं। ये दर्शन कौर हैं। दूरदर्शन के हसीन दिनों के दौरान लगभग 30 साल पहले सड़क दुर्घटना की शिकार हो गईं। तब से कोमा में हैं। हाँ। ओ सुनील! नहीं मुझे नहीं पता। ओ सुनील बाहर आ। क्या हो गया यार? गोल्डी सुबह सुबह चिल्ला रहा है यार तू। क्या हुआ? समझा ले अपने बेटे को। मेरी बेटी को रोज ताड़ता रहता वो। सनी, सनी इधर आ, इधर आ। क्या कह रहे हैं अंकल? हैं? अब पापा मैं तो ब्रश करने आया था, वो वहाँ खड़ी, तो मैं क्या करूँ? अरे ब्रश करने गया था तो वो तो अपने घर पर खड़ी होगी ना, तो अपने बाथरूम में जाकर कर शीशे के आगे। उधर तो आप टट्टी कर रहे थे ना। अरे टट्टी। और सुनील बहुत हो गया, देख अगली बार मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर देनी है। क्या यार तू मतलब छोटी छोटी बात पे पुलिस की कंप्लेंट कर देगा, हैं? मतलब बचपन की दोस्ती भूल जाता है यार तू। ठीक है चल, इस बार छोड़ दिया, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। इतने सालों से मकान पे कब्जा करके बैठा है। 800 रुपए किराया देते हैं अंकल, फ्री में नहीं रहते। ओए ओए ओए, 800 रुपया किराया, इसको किराया बोलते हैं? भाई क्या होता है इससे आजकल। ठीक है भाई, खाली कर देते हैं, चल। नहीं नहीं वीर जी, एक मिनट, इनके कहने का मतलब ये नहीं था, इनके कहने का मतलब था 800 रुपए। आपको पता है हमारी काम वाली बाई है ना, उसको भी 2500 रुपए देती हूँ मैं। अरे यार भाभी आप भी बेसी कर रहे हो यार, मैं हर बार जब भी आता हूँ आपसे बात करता हूँ कि मम्मा ठीक हो जाएगी, मैं घर खाली कर दूंगा। कुछ तो समझो यार, बचपन बिताया हमने यहाँ पर। तो बाकियों का बचपन भी यही निकाल लेना है ना। एक काम कर, हम ही घर खाली कर देते हैं, ठीक है ना जी ना। मम्मी का क्या है, क्या पता कब ठीक होंगी। यार भाभी समझाओ यार इसको, कैसी मतलब भोली। नहीं नहीं वीर जी, मैं नहीं समझा सकती। आप दोनों ने आज लड़ना, कल एक हो जाना है। मैं भी इसमें बुरी बन जाऊंगी? मैंने नहीं बुरा बनना, लेकिन अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोल देती हूँ, प्रिया भाभी जब से घर छोड़ के गई है ना, ये हाथ से निकले जा रहा है। तो ज़्यादा मेरी बेइज्जती कराता रहता। पापा हाँ, घर में और कोई है तो उसको भी बुला ले। मैं तो बस देखने आई थी कि सब ठीक तो है। हाँ, मुझे सब पता है क्या देखने आई थी। चल नीचे जा। ओए नाश्ते में कुछ बनाया है कि नहीं? हाँ रोटी और आलू की सब्जी। चल खाते हैं। हाँ। और 2 रोटी इसको भी भेज दे यार। मैं नहीं खा रहा। 4 रोटी भेजूंगी आपको और घी लगा के। ठीक है। इसको मत देना। बर्बाद कर दिया तुमने। सुनील जी की बेटी स्वीटी स्कूल में अक्सर गेट बंद हो जाने के बाद ही पहुंचती है, और ये बंटी हैं। बड़ा मुश्किल है इनको समझना, आप भी कोशिश कीजिए। फिर गेट बंद हो गया यार, अब कैसे जाएंगे? अरे देते लोग जाते हैं। अरे स्कूल वाले इतनी ऊंची दीवार क्यों बनाते यार, रोज ताप नहीं पड़ती है। हाँ यार मुझे भी लगता है ना, लोग ना ऊंचा तल रहे हैं लोग। हेलो हेलो मिस्टर बंटी। हाँ मैडम। मिस्टर बंटी आपको हमारी कंपनी लोन प्रोवाइड कर रही है, हमारी बैंक की तरफ से। कितने तक लोन मिलेगा? सर आपको कितने का चाहिए? तमोता ताई दी तोल दिन तेरा खा लूंगी। हाँ 2.5 तो मिलेगा। सर मजाक कर रहे क्या? अगर 2.5 लाख तक का लोन चाहिए तो बताइए। अब तू ताई कौन तेरा बाप? गलत किस पे चिल्ला रहा है यार? लोन के लिए फोन था, बैंक से लोन था फोन था। बैठ जल्दी। ठीक है ठीक है, आजा तू भी। अरे मैं तेरे देता हूँ भाई, सुन ना 2 मिनट बनेगा यहाँ खुले में, घर चलना। अरे यार वो दीवार फांद के स्कूल लाना है, ऐसा बनना रुका ऐसे बोलना। अरे यार ऐसा नहीं यार, थोड़ा ऐसे आगे आना, थोड़ा नीचे था और नीचे नीचे। एक बार और सोच लेना, घर पे दीवार पे नहीं चढ़ना पड़ेगा। आजा आजा, आज तो तेरे प्रिंसिपल के दर्शन कराता हूँ। भाई तेला दल थाली है क्या? चले इनसे मिलिए, ये है पप्पी, सनी का फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड, हिंदी ऑनर्स का मेधावी छात्र, अश्लीलता की 56 विधाओं में पूर्ण रूप से पारंगत, सीधे कहें तो अश्लील साहित्य का सबसे बड़ा सप्लायर। अबे लेट हो गए, जल्दी चल 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 चल। हिंदी वाला सिर हो जाएगा। कहाँ थे सर मैं कमी। अबे शौचालय में पूछ के आओगे क्या? तो साले एक स्टॉप पहले ही रुका कर, अगली क्लास है। मुझे लगा कि सर ना पकड़ के खड़े हुए हैं। सॉरी सर भाई, अब आ गए तो थोड़ा कर ही लेते हैं यार। अब यार वो हिंदी वाले लेक्चर भाई कुएं के पास आए तो चले जाते हैं ना। छात्र एवं छात्राओं, आज हम हिंदी साहित्य में सौंदर्य रस पढ़ेंगे। पधारिए, आओ भाग्य हमारे जो आप हमारी कक्षा में पधारे। विलंब का कारण लघु शंका में देरी हो गई, भविष्य में ध्यान रखेंगे। अत्यधिक लघु शंका मधुमेह का कारण बन सकती है, जांच कराइए और कक्षा को कक्षा रहने दीजिए, धर्मशाला ना बनाए। विराजिए। सॉरी सर। आप रुकिए, आपका परीक्षा कापी जांचने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको त्योहार पर निबंध लिखने के लिए दिया गया था। विवाह उपरांत बहन की पहली लोहड़ी। आप कहीं ई भूल जाते, कहीं आ की मात्रा, कहीं हा भूल जाते, कहीं कुछ और। मुझे समझ में नहीं आता आपको दी किसने, अर्थात हिंदी हॉनर्स आपको दी किसने? आपने दी सर। चलिए हम अपनी गलती मानते। हाँ आप बैठिए जाके और कुछ अच्छा अध्ययन करने का प्रयास करें। अनुप्रास अलंकार। चंचल चितवन को चित के चोर से चित को चुरा के चली। वाह 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 वाह। ये बुड्ढा बोर कर देगा। तेरा भाई तेरे लिए नया माल लाया है। ओए इधर आया। चंदू के चाचा ने चंदू को चांदनी रात में चांदनी चौक एकदम पहली धार का रसीली प्रोडक्शन। खोल खोल देखिए ये जो वाक्य है इसमें च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मतलब बार बार आ रहा है। कितना सुंदर लग रहा है ना, च चा ची चू। भाई च वर्ण का वर्णन ज्यादा यूज हो रहा है वहाँ भी यहाँ भी। च चू। हेलो। हाँ भाई क्या कर रहा है, कहाँ है, कॉलेज में है या घर में? अभी धीरे बोलो, मैं क्लास में हूँ, पढ़ रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। अच्छा अच्छा अच्छा, पढ़ो पढ़ो बेटा। क्या पढ़ता है वैसे? वो पापा लेक्चर ने कहा था कि थोड़ी हिंदी कमजोर है, इसलिए अनुप्रास अलंकार जो कि बहुत ही अनुप्रास अलंकार का थोड़ा पढ़ाई कर रहे थे उस पर। ठीक है बाद में बात करो। ये कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं आप? सर सौंदर्य रस। रसीली पड़ोसन पार्ट 1 है सर, भाग 1। कौन से कॉलेज में चलती है? अपने में ये सर। हम पढ़ सकते हैं? रख लीजिए सर, आपकी है। धन्यवाद। सॉरी सर, माफ कर दीजिए सर। धन्यवाद। सर कैसे याद किए सर? बोर हो रहा था, सोचा थोड़ा लूडो खेल लीजिए आपके साथ। सर क्या बात कर रहे हैं? जो सुन रहे हैं आप, आपको पता है आपका लड़का क्या करने आता है? पूछो पूछो। पढ़ने आता है सर। क्या पढ़ने आता है? साहित्य। साहित्य। मैं बताता हूँ आपका लड़का क्या पढ़ता है। ये पढ़ रहा था आपका बेटा। नहीं सर, सुबह इससे बात हुई थी मेरी, तो कोर्स की किताबें। नहीं सर ये नहीं पढ़ सकता मेरा बेटा। तो ये क्या मैं पढ़ रहा था? सर इस बार माफ कर दो सर, बच्चा समझ के, बहुत मेहरबानी हुई सर आपकी। कर दूंगा माफ, माफ कर दूंगा। ये गोटी है, इसमें छक्का ला के दिखाओ, बच्चा समझ के इसे माफ कर दूंगा। और अगर छक्का नहीं आया तो इसकी वो टांगे तोड़ूंगा मुर्गा बना के, कि जिंदगी भर याद रखेगा। छक्का लाओ। कैसे यार? सर किस्मत सर। सर वो एक्चुअली ना आप हाथ से करते हो ना, आप इसमें डाल के करते हो, ट्राई करो सर, आ जाएगा सर, आप करते रहो सर ट्राई, देखो सर। चलो निकलो, दोबारा अगर तुमने ये गलती की ना तो स्टिकेट कर दो। नहीं करेगा सर। चलो जाओ सर, थैंक यू सर। जाओ जाओ जाओ। हाँ सर वो मैं कूड़े में फेंक दूंगा सर। नहीं मैं फेंक दूंगा, इस उम्र में आपको शोभा नहीं देती है। चलो अच्छा। राम सिंह पप्पी को भेजो, उससे भी थोड़ी लूडो खेल ली जाए। For exclusive classic movies, download Shemaroo Me app now.